हाय फ्रेंड्स, आज से हम लोग पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, जिसका आज पहला लेक्चर रहेगा द्रव्य। द्रव्य के बारे में हम लोग अच्छे डिटेल से देखेंगे और क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं। तो हर एक चैप्टर का हम लोग पहले थियरी कंप्लीट करेंगे, थियरी, न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव, तीनों पार्ट कवर करेंगे हम लोग। और इस बार काफ़ी अच्छा टाइम मिला हम लोगों को, काफ़ी पहले हमने स्टार्ट किया इस बार, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है अप्रैल में होता है, अप्रैल के लास्ट वीक में, तो काफ़ी अच्छा टाइम है। तो उसके पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम लोग देखेंगे द्रव्य। द्रव्य क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। द्रव्य के बारे में देखिए, ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी अवयव है या फिर एलिमेंट जिनका हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग द्रव्य कहते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी अवयव जिनका हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग द्रव्य कहते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग द्रव्य कहते हैं। और इसका दूसरा डिफिनेशन भी है कि ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी अवयव जिनमें द्रव्यमान और आयतन होता है द्रव्य कहलाता है। तो जिनमें द्रव्यमान और आयतन होता है ऐसे पदार्थ को हम लोग द्रव्य कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जल है। जल क्या है, इसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहले एग्जाम्पल से भी अगर, सॉरी, डिफिनेशन से अगर आप देखेंगे जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, तो जल को हम लोग टच करके अनुभव कर सकते हैं कि ठंडा है या फिर गर्म है, कैसा है। वायु को भी हम लोग अनुभव कर सकते हैं, अगर हवा चलेगी तो पता चलता है, ठीक है। और जल में भार भी होता है और ये आयतन में घेरता है। एयर में भी भार होता है और ये आयतन में घेरता है, ठीक है। लकड़ी भी सेम है, लकड़ी सॉलिड होता है पूरा, इसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो जितने भी पदार्थ अवेलेबल हैं, जो भी आप कुछ देखते हैं, इसको हम लोग द्रव्य कैटेगरी में द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो द्रव्य को क्या किया गया, अभी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि जल हो गया, वायु हो गया, लकड़ी हो गया। अभी किसको किस भाग में रखना है, इसके लिए एक कैटेगरी बनाया गया। तो द्रव्य को जब स्टार्टिंग में डिवाइड किया गया, तो उस टाइम मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो ठोस, द्रव और गैस में द्रव्य को बांटा गया है। द्रव्य को पदार्थ भी बोलते हैं, मैटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पदार्थ को मेनली तीन भागों में बांटा गया है, और बाद में दो टाइप्स और इसके बनाए गए, जो अभी सॉरी सबके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी। तो सबसे पहले तीन भाग जो हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के आधार पर द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। जैसे कि लकड़ी, लकड़ी आप ले लीजिए, लकड़ी कैसा रहता है कि ठोस, द्रव और गैस। तो लकड़ी का अगर आप देखोगे तो सपोज करिए कि ये एक लकड़ी है, तो इसका जो आयतन है ये इसका आयतन हो जाएगा पूरा, ठीक है। और आकार भी इसका निश्चित है, ये ऐसे चेंज नहीं होगा जब तक इस पे बाहरी कोई फोर्स ना लगा जाए, ठीक है। तो लकड़ी का क्या है, आकार निश्चित है, और इसका कितना एरिया प्लस हाइट क्या कवर कर रहा है उसको मिला के वो आयतन हो जाता है, ठीक है। तो इसका आयतन भी निश्चित है, तो लकड़ी का क्या रहता है, एक आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, जिस शेप में है वो उसी शेप में रहेगा, और जितना जगह स्पेस कवर करता है उतना स्पेस कवर करेगा, चाहे आप कहीं भी उसको रखो, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा जाए या फिर बाहरी फोर्स लगा के उसको तोड़ ना दिया जाए, ठीक है। जब तोड़ देंगे तो भी अपना अलग अलग रूप ले लेगा, तो वो भी, उसका भी आयतन और आकार दोनों निश्चित रहेगा। तो ठोस का क्या रहता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित रहता है, जैसे कि बर्फ हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब सॉलिड है जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, और जिसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं। द्रव्य के बारे में, सॉरी, द्रव्य का जो पहला टाइप था ठोस था, और दूसरा कौन सा है, द्रव। द्रव्य और द्रव में डिफरेंस है,
इसका डिफरेंस मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो द्रव्य के टाइप्स में द्रव आता है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है द्रव कहलाता है। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो होता है इसका अनिश्चित होता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग द्रव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी। पानी का क्या होता है कि पानी आप किस ये सब यहाँ पे बर्तन है, तो आप अगर आप बर्तन में रखोगे ना तो इसी शेप में ये फैल जाएगा, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है। पानी का आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, अगर किसी दूसरे बर्तन में आप पानी रखोगे तो वो तो इस शेप में फैल जाएगा। जिस शेप का बर्तन रहेगा या फिर जैसा इसको जगह मिलेगा वैसा ये फैल जाएगा, यानी कि इसका जो आकार है पानी का वो निश्चित नहीं है, वो चेंज होता रहता है। लेकिन आयतन जो है इसका निश्चित है। आयतन अगर 10 लीटर है, सपोज करिए 10 लीटर पानी है, तो 10 लीटर ही रहेगा। अगर दूसरे जगह भी दूसरे बर्तन में भी आप रखोगे तो 10 लीटर ही रहेगा। ठीक है, तो 10 लीटर क्या है, आयतन है इसका सब। तो आयतन इसका निश्चित है, कहीं भी आप उसको रखिए कहीं भी लेके जाइए। ठीक है, आयतन निश्चित रहेगा लेकिन जो उसका आकार है वो चेंज होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। जैसे उसको जगह मिलता है वैसे वो फैल जाता है पानी। ठीक है, तो पानी का क्या है, द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। गैस गैस द्रव्य की वह अवस्था जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग गैस कहते हैं। जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग गैस कहते हैं। गैस को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस उसको हम लोग स्मेल कर सकते हैं, और इसके लिए उसका आयतन और आकार निश्चित नहीं किया जा सकता। वो कितना आयतन कवर करेगा और कैसा आकार बनाएगा, तो इसका दोनों अनिश्चित है। ठीक है, तो गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। चलिए अब तीनों में अंतर देखते हैं। इन तीनों ठोस ठोस द्रव और गैस में मेन डिफरेंस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नज़दीक नज़दीक होते हैं अणु पास पास होते हैं। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स, अणु को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक है, और द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं, सॉलिड की अपेक्षा हल्का सा दूर होते हैं। ठीक है, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं एंड गैस को गैस बोलते हैं। ठीक है, तो लिक्विड को जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं। मतलब लिक्विड एंड सॉलिड की अपेक्षा बहुत दूर होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका आयतन और आकार निश्चित नहीं है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है कि सॉलिड के जो आयतन होते हैं यानी कि वॉल्यूम जो होता है निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है और द्रव का जो आयतन होता है निश्चित होता है, और गैस का आयतन एवं आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। तीसरा क्या है, दबाव का प्रभाव नगण्य होता है। ठोस पर दबाव का प्रभाव नगण्य होता है, यानी कि कोई लकड़ी है उस पर आप दबाव लगाओगे, उसको दाबोगे या फिर बल लगाओगे, उसको तोड़ने का ट्राई करोगे, किसी लकड़ी को अगर तोड़ने का ट्राई करोगे तो टूटेगा नहीं जल्दी। मतलब वो उस पर हम लोग जो फोर्स लगाएंगे, जो बल लगाएंगे, उसका जो प्रभाव होता है सॉलिड पे बहुत कम पड़ता है। ठीक है, और द्रव पे क्या होता है, द्रव पे दबाव का प्रभाव कम होता है। द्रव पे भी जो दबाव का प्रभाव रहता है वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है लेकिन गैस की अपेक्षा कम रहता है। ठीक है, और गैस पे दबाव का जो प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा रहता है। उसको सिलेंडर में रख के अगर आप दबाएंगे तो दबता जाता है, जिसकी वजह से सिलेंडर फटने का चांस रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अणुओं के बीच का स्थान बहुत कम कम होता है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है बहुत कम होता है, और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो सॉलिड की अपेक्षा अधिक होता है बट गैस की अपेक्षा कम रहता है। ठीक है,
और गैस में अणुओं के बीच में स्थान बहुत अधिक होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था ठोस द्रव और गैस का। अभी हम देखेंगे जो द्रव्य की या फिर पदार्थ की चौथी अवस्था है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं द्रव और द्रव्य में अंतर। हम लोग अभी पढ़ रहे थे द्रव्य के प्रकार, और द्रव्य के प्रकार में आता है द्रव। तो द्रव और द्रव्य में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द्रव क्या है? द्रव्य की एक अवस्था होती है, द्रव्य का एक टाइप्स है, ठीक है। द्रव द्रव्य की एक अवस्था है। सभी द्रव द्रव्य हो सकते हैं लेकिन सभी द्रव्य द्रव नहीं हो सकते। जितने भी द्रव हैं, जितने भी लिक्विड हैं, वो द्रव्य के अंदर में आते हैं, द्रव्य हो सकते हैं। मीसो जितने भी लिक्विड हैं वो मैटर होते हैं, और द्रव का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस ये है कि द्रव जो है द्रव्य की एक अवस्था है। अभी हम लोग देखेंगे द्रव्य की जो चौथी अवस्था है वो क्या है, फोर्थ टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, चौथी अवस्था को। तो उन तीनों के बाद प्लाज्मा का खोज किया गया। प्लाज्मा क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंद होने के बजाय स्वतंत्र हो जाता है। ये बाकी अभी हम लोग जो तीन टाइप्स पढ़े हैं, ठोस द्रव गैस, इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाए रहते हैं। बट प्लाज्मा में क्या रहता है, ये एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाते। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि परमाणु या अणु के साथ बंद होने के बजाय स्वतंत्र हो जाता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत गैस है, यह एक आयनीकृत गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंद होने के बजाय स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मा एक आयनीकृत गैस है, प्लाज्मा एक आयनीकृत गैस है, और ये द्रव्य की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा में धनावेश और ऋण आवेश की स्वतंत्र रूप से गमन करने की क्षमता प्लाज्मा को विद्युत चालक बना देती है। प्लाज्मा में धन आवेश और ऋण आवेश की स्वतंत्र रूप से गमन करने की जो क्षमता है वो प्लाज्मा को विद्युत चालक बना देती है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। प्लाज्मा के गुण ठोस द्रव्य और गैस के गुण से काफी विपरीत था, इसके लिए इसे पदार्थ की चौथी अवस्था माना गया, ठीक है। प्लाज्मा को जो प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म है, वो ठोस द्रव गैस की अपेक्षा थोड़ा अलग है, ठीक है। और प्लाज्मा की पहचान सबसे पहले किसने किया था, तो प्लाज्मा की जो जो पहचान किया था सबसे पहले वो किया था विलियम क्रूक्स के द्वारा, 1879 में की गई थी, ठीक है। उस टाइम जो विलियम क्रूक्स ने जब इसकी खोज की थी, पहचान किया था, तो उस टाइम इन्होंने इसका नाम चमकते पदार्थ का नाम दिया था, ठीक है, चमकते पदार्थ का नाम दिया था। और बाद में इरविंग लैंग म्यूडर ने इसे प्लाज्मा का नाम दिया, ठीक है। प्लाज्मा का नाम इसको किसने दिया, इरविंग लैंग म्यूडर ने। ये था प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। अभी उसके हम लोग एग्जाम्पल्स देख लीजिए, प्लाज्मा के जो एग्जाम्पल्स हैं, बिजली है, वेल्डिंग आर्क है, आर्क वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं ना, जो बिजली है, जहाँ पे भी चमक होती है ना वहाँ पे प्लाज्मा जनरेट होता है, वहाँ पे प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। परमाणु बम के विस्फोट, वहाँ भी चमक होता है, ठीक है। स्टार, जहाँ चमक होती है वहाँ पे प्लाज्मा बनता है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा कि जहाँ चमकीला पदार्थ होगा वहाँ पे प्लाज्मा बनेगा। तो प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। और पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में देखते हैं। पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन संघनित, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसकी खोज किसने किया था, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन दोनों ने इसकी खोज किया था। तो इसके लिए इसका नाम डाला गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है।
तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जब किसी बोसान के तनु गैस को परम शून्य यानी कि परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम लोग परम शून्य टेम्परेचर सॉरी -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, आखिर परम शून्य ताप बोलते हैं। अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 200 केल्विन आएगा, ठीक है। तो -273 डिग्री को हम लोग अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, या फिर 0 केल्विन को हम लोग अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। तो जब किसी बोसान के तनु गैस को परम शून्य ताप पर ले जाते हैं तब एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसे हम लोग बोस आइंस्टीन संघनित कहते हैं। जब किसी गैस को हम लोग 0 केल्विन पर ठंडा करते हैं, यानी कि -273 डिग्री पे ठंडा करते हैं ना, तब एक ऐसे पदार्थ की उत्पत्ति होती है जिसे हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो किसी पदार्थ को अगर हम लोग 273 -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं तो हमें बोस आइंस्टीन संघनित मिल जाएगा, ठीक है। तो बोसान एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम सत्येंद्रनाथ बोस जी के नाम पर पड़ा था, ठीक है। सत्येंद्रनाथ बोस जी के नाम पर बोसान का नाम पड़ा था। तो ये जो मेन टॉपिक है या इसको आप लोग याद करेगा, जब किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी आता है कि परम शून्य ताप क्या होता है, तो परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग परम शून्य ताप बोलते हैं, या फिर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको BEC, बोस आइंस्टीन, और सी का मतलब कंडेंसेट, के एग्जाम्पल के उदाहरण क्या है, रिब्यूडियम हो गया, हीलियम हो गया, मैग्नन हो गया, ये सब जो गैसें हैं इनको अगर हम लोग -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे तो हमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम लोग, और बाकी जो है वो हम लोग कल लेके आएंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो आपसे पूछ सकता है, और ग्रुप में सॉरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन करिए, और ये जो PDF है इसका या फिर वर्ड फाइल ही मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।